ये ज्योतिर्लिंग नागेश्वरम द्वारका बने, नागेश्वरम भगवान शिव जी का नाम है। नागेश्वरम द्वारका बने आठवां ज्योतिर्लिंग, जो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से आठवां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ये अर्धनारीश्वर रूप में है जिसमें दो भाग हैं, छोटा भाग माता पार्वती जी का है और बड़ा भाग भगवान भोलेनाथ जी का है। ये हाथ में जिनके दिया है ये दीपचंद राजा हैं और ये पवनचंद राजा हैं। इन्होंने यहाँ पर 7वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, लकड़ी से पत्थर में निर्माण किया था और पूजा की जो व्यवस्था है इन्होंने ही की थी। ये दक्षिण मुखी सिद्धपीठ हनुमान जी हैं। दो ही सिद्धपीठ हैं, एक अयोध्या हनुमानगढ़ी में, दूसरे जागेश्वर में। हर शनिवार और मंगलवार को इसमें चोला चढ़ाया जाता है। और जो अपने नीम करोली बाबा जी हैं कैची धाम के, उन्होंने यहाँ पर एक महीना तपस्या की थी। ये नीलकंठ बाबा जी हैं, ये पूरा परिक्रमा होती है। ये सूर्य मंदिर मंदिर है, ये सूर्यदेव जी का है। ये नवग्रह महादेव जी की आदि ही परिक्रमा होती है, क्योंकि यहाँ पे महादेव जी अर्धनारीश्वर रूप में हैं, इसलिए यहाँ पे डेढ़ होती है, एक माता पार्वती जी की, आदि भगवान भोलेनाथ जी की। ये माता पुष्टि माता जी का शक्तिपीठ है। बताइए महामृत्युंजय बाबा, ओम त्रिवेम गमे जामे जुवन्य भूते वर्धन मुरवार कुम्य वंदनान मिट्टी और मोक्षी है महामृतात। ये हवन कुंड है, यहाँ पे पूजा होने के बाद हवन किया जाता है। ये लकुलेश बाबा जी हैं, महादेव जी के 2400 और आखिरी अवतार माने जाते हैं। ये टांडेश्वर महादेव जी हैं, ये अर्धनारीश्वर रूप में वृक्ष है, दारू का वृक्ष, जिसमें एक भाग माता पार्वती जी हैं और दूसरे भाग भगवान भोलेनाथ जी के हैं। ये माता अन्नपूर्णा जी हैं। ये गणेश जी की सूंड बनी हुई है। ये नव दुर्गा माता जी हैं। ये जटा गंगा नदी है, शिव जी की जटाएं बनी हुई हैं, वहाँ से यह जल निकलता है। ये कमल कुंड है, ये इस तरीके से पूरे परिक्रमा पूर्ण होती है यहाँ पे।